विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक गायत्री मंदिर पर संपन्न हुई। भगवान राम दरबार का पूजन अर्चन कर जिला अध्यक्ष इमरत सिंह सोलंकी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गायत्री मंदिर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम भगवान श्री राम का पूजा अर्चना कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष इमरत सिंह सोलंकी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मंदिर जाने का आग्रह किया। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा गया। इसी क्रम के चलते जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा ने बताया कि कार्यकर्ता का चरित्र ही सर्वोपरि होता है और संगठन की पहचान जो है वो स्वयं के चरित्र से होती है। समीक्षा बैठक के दौरान नवीन दायित्वों की घोषणा भी की गई, जिसमें वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जिला सह विशेष संपर्क प्रमुख, लोकेश कुशवाहा सह अखाड़ा प्रमुख, आशीष रघुवंशी सह सेवा प्रमुख, जितेंद्र कुशवाहा सुरक्षा प्रमुख, रिंकू कुशवाहा सह अखाड़ा प्रमुख, अनिल रघुवंशी सह मिलन प्रमुख, हरिओम कुशवाहा नगर संयोजक, महेंद्र नगर उपाध्यक्ष श्याम शर्मा नगर सह मंत्री, अरविंद सह मिलन प्रमुख, योगेंद्र कुशवाहा धर्म प्रचार प्रमुख और अन्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए। इसी के साथ आरून प्रखंड की घोषणा भी की गई। बैठक में जिला नगर एवं सभी प्रखंडों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया।